मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की पत्नी के साथ झगड़ने का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर आ रहे ऐसे रिएक्शन। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पत्नी ने पुलिस में मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई है। 6 दिसंबर को ही उनकी शादी हुई है और 14 दिसंबर को विवेक बिंद्रा के साले वैभव क्वात्रा ने नोएडा पुलिस में मारपीट का केस दर्ज करवाया है। यह शिकायत नोएडा थाना सेक्टर 126 क्षेत्र में दर्ज कराई गई है। विवेक बिंद्रा पर मारपीट का केस दर्ज होने के बाद से ही यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। विवेक बिंद्रा और उनकी पत्नी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी पत्नी यानिका के साथ जोर जबरदस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स एक महिला को खींचने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये विवेक बिंद्रा और उनकी पत्नी का है, हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने ऐसे रिएक्शन दिए। एक ने लिखा कि दूसरे को मोटिवेशन देने वाले विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी को इतना मारा कि उनके कान का पर्दा फट गया। एक ने लिखा कि दुनिया को मोटिवेशन का पाठ पढ़ाने वाले खुद अपनी पत्नी के साथ 10 दिन भी ठीक से नहीं रह पाए। एक ने लिखा कि इतनी दौलत होने के बावजूद और लोगों को ज्ञान देने से क्या फायदा जब खुद के घर में शांति नहीं ला पा रहे हैं। एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि श्री विवेक बिंद्रा जो दूसरे को असंभव को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, वे भी हासिल नहीं कर सके। क्या विवेक बिंद्रा के लिए अपनी पत्नी को पीटना वो भी नया जीवन कौशल है? मिली जानकारी के मुताबिक एफआईआर में विवेक बिंद्रा के साले ने कहा कि बिंद्रा अपनी माँ से किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। जब पत्नी यानिका बीच बचाव के लिए पहुंची तो उन्होंने गाली गलौज किया और कमरे में ले जाकर मारपीट भी की। विवेक बिंद्रा पर आरोप है कि मारपीट की वजह से पत्नी यानिका के शरीर पर घाव हो गया है। इतना ही नहीं, कान से सुनाई देना भी बंद हो गया है।